नमस्कार। आज पूरे देश में दो चीजें तेजी से छाई हुई हैं। पहली कोरोना महामारी, जिसके कारण हम सभी लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, और दूसरी चीज है वो है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्यों छाई हुई है, उसके पीछे का कारण ये है कि हाल ही में एक बहुत ही बड़ी कंपनी, जिस कंपनी का नाम है एस्टोरिया कंपनी, जिसके उत्पाद आते हैं मिल्क पाउडर, मिल्क शेक, चॉकलेट शेक, कई तरह के शेक्स आते हैं और मिल्क पाउडर आता है, उन्होंने अभी एक नया एड लॉन्च किया है, जिस एड में राहुल गांधी अपनी मम्मी से कहते हुए नजर आते हैं कि मम्मी मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें एक तरफ से घास डालो और दूसरी तरफ से दूध निकालो, जिसमें एक तरफ से घास डालो और दूसरी तरफ से दूध निकालो। और उनकी मम्मी ये कहती है, यानी कि सोनिया गांधी ये कहती है कि बेटा ये तो गाय होती है। तो दोस्तों, क्या ये सही है, इस तरह की एड जो कंपनी अपने प्रचार के लिए बनाती है, इस तरह की कंट्रोवर्सी जो दूसरे के फेम पे अपना फेम करना चाहती है, अपना ब्रांड स्थापित करना चाहती है, दूसरे को मजाक उड़ाकर, किसी ऐसे शख्स का मजाक उड़ाकर अपना ब्रांड स्थापित करना कहां तक सही है, मुझे तो ये सही नहीं लगता। और अगर आपको भी ये सही नहीं लगता तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट करिए। और इस तरह के एड दो दिन तीन दिन तो ये फेम में रहते हैं, हाइलाइट्स रहते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल रहते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह के एड का कोई ठिकाना नहीं रहता। अगर वाकई में किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में दम है तो वो प्रोडक्ट बोलता है, उसका एड नहीं बोलेगा, एड बाद में, पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी बोलेगी। तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों को समझना चाहिए कि हम जो भी एड बनाए वो किसी को ना तो मजाक करके बनाए, किसी का मजाक, किसी के सर पे पैर रख के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसी सोचने वाली बात है। और अगर आपको भी मेरा ये सुझाव सही लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर गलत लग रहा है तो कमेंट कीजिए, दो ही बातें हैं। तो गाइस, इसी तरह की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त युगल। गुड बाय, थैंक यू।